हेलो फ्रेंड्स, MSI मोबाइल रेस्टोरेशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे ये मोबाइल है ज़ेनफोन मैक्स, इसका हमारा टच पैड जो है तो ख़राब हो चुका है। ये हमारा टच पैड जो है तो इसका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका टच स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो है तो दोस्तों हमारे सब कीज जो वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन ये 7 8 9 7 8 9 वर्क नहीं कर रहा है। 7 दबा रहे तो स्टार या फिर फोर हैश दब रहा है, 8 दबा रहे तो 5 या 0 दब रहा है, 9 दबा रहे तो हैश या 6 दबा, इतनी लाइन काम नहीं कर रही है इसकी। और ये नीचे से भी क्रैक हो चुका है, तो इसको जो है तो टच पैड चेंज करना पड़ेगा, इसको न्यू टच पैड तो डालना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसको दूसरा टच पैड कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए इसको ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, हमारा हैंडसेट ऑफ हो गया। इसको पीछे से खोल लेते हैं, इसको हैंडसेट को। इसके स्क्रू खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मोबाइल खुल चुका है। ये मोबाइल हमारा खुल चुका है, इसको बैक कवर। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको साफ कर लिया है। ये हमारा न्यू टच पैड।
ये देखिए दोस्तों, हमारा टच पैड बैठ चुका है, न्यू वाला टच पैड हमारा बैठ चुका है। अब चलिए इसको ऑन करते हैं और चेक कर लेते हैं। ये हमारा फूटा हुआ टच पैड जो खराब हो चुका था, ये यहाँ से क्रैक भी हो चुका था, ये ऊपर से इसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था। ये हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है, अब चलिए इसको चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम अब कॉलिंग पे जाएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहले वाले टच में हमारा 7 8 9 वर्क नहीं कर रहा था, अभी पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है। 7 8 9 स्टार 0 हैश, ये पूरा बैक हो रहा है, ये बैक भी हो रहा है, ये शटर नीचे, ये ब्राइटनेस इसका कम ज़्यादा भी हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी हो रहा है, ये पूरा साइड सब आसानी से वर्क कर रहा है, हमने इसका टच पैड चेंज किया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।